अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफ़त जुलेखास किचन डॉट कॉम से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑन नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बढ़िया सा कटलेट जिसका नाम है मेमनी रशियन कटलेट। वैसे मैं तो इसे बचपन से खा रही हूँ और मैं तो इसे मेमनी कटलेट ही कहती हूँ। आप चाहें तो इसे नॉर्मल रशियन कटलेट भी कह सकते हैं। अच्छा, आप इसे चाहें तो हरी चटनी के साथ सर्व करें, जो कोतमीर पुदीने की आती है वो, या फिर आप लाल चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे दोनों रेसिपीज मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां चेक कर लीजिएगा। मैंने कुछ रमजान की रेसिपीज भी मेरे चैनल पर अपलोड की है, आप लोगों के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वो भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए एक मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहर से देख सकते हैं आप क्या मजेदार से क्रिस्पी हुए और अंदर से कितने मजेदार से क्रीमी टेक्सचर हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और टेस्ट में तो वाह माशाल्लाह है, एकदम परफेक्ट। नमक परफेक्ट, काली मिर्च परफेक्ट, स्पाइस है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लजीज रेसिपी आज की। सबसे पहले यहाँ 250 ग्राम चिकन बोनलेस को चर्बी निकाल के मीडियम मीडियम पीस करके 2-3 पानी से धो लीजिए। धोने के बाद एक पतीली में डालकर, पतीली में 1 कप पानी साफ डालिए, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और मिक्स कर लीजिए और एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आंच और इसे पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती, तकरीबन 6-7 मिनट लगेगी। जब 6-7 मिनट हो जाए, ये देखिए चिकन गल चुकी है, तो मैंने कर दिया मीडियम आंच और अब तकरीबन ऑलमोस्ट पानी सुखाना है। तकरीबन समझिए ना 2-3 टेबलस्पून जितना पानी रखिए, बाकी का सारा सुखा दीजिए मीडियम आंच कर। ये देखिए मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, 2-3 टेबलस्पून जितना पानी बचा हुआ है अब इसे ठंडा होने साइड पर रहने दीजिए। फ्राई पैन के अंदर 3-4 टेबलस्पून मक्खन डालिए, बटर मस्का, मैं तो मस्का कहती हूँ, मीडियम आंच कर दीजिए। जब मक्खन बटर मस्का पिघल जाए तो डाल दीजिए 1.5-2 टेबलस्पून जितना मैदा, मैं 2 डाल रही हूँ टेबलस्पून। मिक्स करिए कंटिन्यूसली और इसे मीडियम आंच पर भूनिए, अच्छे से 4-5 मिनट तक भूनिए। जब अच्छा खासा आप देखेंगे बबल्स आने लगे हैं तो मतलब ये भून चुका है। आप चाहे तो स्लो पर भी रख सकते हैं। ये देखिए बबल्स आ गए हैं, इसका मतलब भून चुका है। मैंने मीडियम आंच पर रखा था। अब मैं डाल देती हूँ 1 कप दूध। थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली डालिए, सारा एक टाइम मत डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा डालें और कंटिन्यूस मिक्स करते जाएं कि लंप्स ना रहे। अच्छा, अब इसमें मैं 1 कप डाल रही हूँ क्योंकि मेरा ये मेजरमेंट वाला कप है। आपके छोटे कप हो तो 1.5-2 कप भी आप डाल सकते हैं। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। कंटिन्यूस मिक्स करते जाइए कि लंप्स ना रहे और मीडियम आंच पर आप इसे पकाएं। आपने तब तक पकाना है जब तक अच्छा थिक नहीं हो जाता और पैन छोड़ने नहीं लग जाता। तब तक जब अच्छा खासा थिक हो जाए और पैन छोड़ने लगे हमारा ये जो हम मिक्सचर बना रहे हैं मैदे का, तो चूल्हा कर दीजिए बंद। अच्छा खासा ये देखिए पैन छोड़ने लगा है तो मैं अब कर देती हूँ चूल्हा बंद और इसे साइड पर रख देती हूँ। चलिए यहाँ अब एक बड़े से बर्तन के अंदर 1/2 किलो बॉइल्ड आलू डालिए। पहले से मैंने बॉइल कर लिया था, इसे हाथों की मदद से मैश कर लेती हूँ मैं, और आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। जब अच्छे से मैश हो जाए, बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे हैं, मैश हो जाए तो यहाँ श्रेड करके जो चिकन थी वो सारी डाल दीजिए और वो जो ग्रेवी हमने हल्की सी रखी थी वो भी सारी डाल दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए 1/2 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और 1/2 कप मैंने ग्रेट किया है, आप चाहे तो बारीक काट कर भी डाल सकते हैं गाजर। मैं 1/2 कप डाल रही हूँ, आप चाहे तो 1/4 कप डाल सकते हैं। 2-3 हरी मिर्चियों को कूट लिया है वो भी मैं डाल देती हूँ, आप चाहे तो पीसी हुई भी डाल सकते हैं। ये है चीज़, तकरीबन 1/2 कप ये भी लिया है, आप चाहें तो ये टोटली स्किप कर सकते हैं या 1/4 कप ले सकते हैं। यहाँ मैं खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल देती हूँ, वो जो हमने मिक्सचर बना के रखा था मैदे का वो भी डाल दीजिए। यहाँ 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। अब ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कीजिए, बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें। इस तरीके से आपने मिक्स करना है कि एक ऐसा लगे कि क्रीमी टेक्स्चर बन जाए इन सारों का।
आप चाहें तो हाथों की मदद से मिक्स करें, आप चाहें तो स्पेचुला से मिक्स करें, सो दैट और ज़्यादा बेहतर क्रीमी टेक्सचर आए, क्योंकि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे हैं आलूओं की या किसी भी चीज़ की। मैं और ज़्यादा कोथमीर डाल रही हूँ। अब अगर आपको लगे कि आप इससे वार नहीं सक रहे हो, तो आप इसे आधे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, नीचे फ्रिज के अंदर, और जब आधा एक घंटा हो जाए फिर निकालें, जब इसमें थोड़ी सी बॉडी आ जाए। लेकिन मैं यहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। अब एक बाउल के अंदर दो अंडे फोड़कर डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून या 1/8 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर भी डाल दीजिए, 1 टेबलस्पून जितना मैं दूध डाल देती हूँ, आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं। और बहुत अच्छे से इसे बहुत ही अच्छे से फेंट लीजिए। अच्छे से फेंट लें तो अब यहाँ मैंने सेवियाँ ली है, इसे मैं अच्छे से तोड़ देती हूँ, बारीक पीसेस कर देती हूँ। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं, 1 कप ब्रेड क्रम्स और 1 कप ये सेवियाँ, बट मैं 2 कप सेवियाँ ले रही हूँ। चलिए अब हम वार लेते हैं। आपने अगर फ्रिज में रखा हो तो निकाल लें, थोड़ा सा तेल लगाएं दोनों हाथों में, थोड़ा सा मिक्सचर लें और इस तरीके से एक बॉल बनाकर चपटा बनाएं, बीच में से अच्छे से चपटा करें और साइड से इसे शेप दें। ये अच्छे चपटे ही होते हैं, और आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं आप उतना बड़ा बना सकते हैं। मैं बस इतना ही बना रही हूँ कि मेरे हाथ में जिसे पाम साइज जो कहते हैं बस उतना ही बना पा रही हूँ, तो मैं इतना ही बना रही हूँ। अब क्या कीजिए, ये जो अंडा रखा है हमने, इसमें डालकर आगे पीछे इसे अंडे में लोटिए इस तरीके से, और अब डाल दीजिए ये जो हमने सेवियाँ तोड़कर रखी है, उलट पलट करें और उसमें अच्छे से रोल कर लें, तो जो सेवियाँ हैं वो सारी चिटक जाएगी, और इस तरीके से आपको एक हमारा चिकन रशियन कटलेट मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से। चलिए अब ये बढ़िया सा बना हुआ एक कटलेट को साइड पर रख दीजिए एक प्लेट में, इसी तरीके से सारे बना लीजिए। बट मैं हमेशा क्या करती हूँ ना, पहले सारों को इस तरीके से बनाकर साइड पर रख देती हूँ, और जो अंडा और ये जो सेवियाँ हैं वो एकदम एंड में लगा दी। तो सारे बना लिए, उसके बाद सारे एक साथ अंडे में लगाऊंगी और सारे एक साथ फिर वो जो ब्रेड क्रम्स हैं या फिर जो हमारी सेवियाँ हैं उसमें लगाऊंगी। लेकिन आप चाहें तो इस तरीके से करना चाहते हैं मेरी तरह, तो इस तरीके से करें, या फिर आप चाहें तो एक एक को बनाएं, अंडे में लगाएं, सेवी में लगा लगा के साइड पर रखें, दोनों ही तरीके सही हैं। चलिए देखिए माशाल्लाह सारे बन चुके हैं, तकरीबन 14 बनाए हैं मैंने, मीडियम साइज़ बनाए हैं तो 14 बने हैं। आप थोड़े बड़े बनाएंगे तो कम बनेंगे, और अगर इससे छोटे बनाएंगे तो ज़्यादा बनेंगे। अच्छा अब आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं आधे एक घंटे के लिए, थोड़ी सी बॉडी आ जाए तो फिर आप तब फ्राई करें, बट मैं थोड़े से अभी फ्राई कर लेती हूँ और थोड़े फ्रिज में रख देती हूँ। फ्राइंग के लिए एक फ्राई पैन में तेल डालें, अच्छा तेल गरम हो जाए फास्ट आंच पर, तो चूल्हा कर दीजिए मीडियम आंच। और अब ये जो हमारे चिकन रशियन कटलेट है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर एक डाल दीजिए, और 2-3 एट अ टाइम डालें, ज़्यादा ओवर क्राउड मत करें, और कुछ सेकेंड्स के लिए उसे पकने दें। चूल्हा मीडियम पर ही है, आपने अगर फ्रिज में से निकाला है तब भी कोई बात नहीं, आप तेल गरम करने रख दें और उसमें डाल दें। ये जब कुछ सेकेंड्स हो जाए तो पलट दें, उलट पलट करते जाए, और जब गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए दोनों ओर से, तो इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए, क्योंकि वैसे भी तो अंदर का सारा पका हुआ है, सिर्फ बाहर से हमें क्रिस्पी करना है। तब उलट पलट करें और जब गोल्डन ब्राउन हो तो निकाल कर साइड पर रख दीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया सा मज़ेदार सा गोल्डन कलर आया है। अब मैं इन्हें सारों को साइड पर रख देती हूँ, इसी तरीके से बैचेस के अंदर फ्राई कर लीजिए। तो ये बन गए हमारे चिकन रशियन कटलेट एकदम मेमनी स्टाइल। आप चाहें तो इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें, या आप चाहें तो इसे लाल जो सूखी मिर्ची आती है उसकी भी चटनी बनती है उसके साथ सर्व करें। अच्छा काली मिर्चियाँ और हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार डालें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पहले बना लें आप, वारने से पहले चख लीजिएगा। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं या फिर आपको अच्छी भी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।